सर के यहाँ पे भाई बैठे बैठे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्यार दिखाओ सर को। क्या होता सर अगली बार हमारे 1 लाख हो सर के, सिल्वर प्ले बटन लेके, सिल्वर प्ले बटन लेके सर आईडी। ओ भाई आगे क्या है भाई, ये समुंदर है क्या? ओ भाई वो देखो वो ऐसे लेके जा रहा है स्प्लेंडर में जैसे आया मुझे। ओ भाई वो देखो उसको, देखो तेरो। हेलो जी, क्या हाल चाल है सबके? तो उम्मीद है भाई सब बढ़िया होंगे भाई, फिट एंड फाइन सेक्सी बिल्कुल अरसान जहान की तरह। सो गाइस आज की शुरुआत ब्लॉग की हो रही है भाई मेरे अपने विलेज फजलाबाद से, जो कि पुंछ में। सो अभी माए हमारी हमारे पास आ रखी है, देखो किसकी बाइक है ये, सल्लू खान। तो सल्लू खान कहाँ है? ये रहा भाई पूरी डाल से भाई। तो आज हम जा रहे हैं भाई शादर शरीफ, इसने कोई मन्नत वगैरह मांगी हुई थी, अभी इसने प्लान बनाया जस्ट कि हाँ भाई निकलते हैं शादर के लिए। एंड तुम्हें पता है भाई आजकल ना जो अपनी श्रीनगर वाला हाईवे वो बंद है, तो जितनी भी गाड़ियाँ भाई मुगल रोड से ही आती हैं तो यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने उसको कहा जल्दी जल्दी निकलते हैं, लेकिन भाई जल्दी करते करते भी ना हमें 1:30 बज गया। एंड आज हम मतलब हमने मन्नत मांगी कि भाई आज जाना ही जाना है, एंड हम आज वहीं स्टे करेंगे, हम ज़्यारत करके भाई कल निकल आएंगे। और हमारे साथ अभी भाई मेरे दो भाई हैं जो आगे जा रहे हैं हायाबुसा पे। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे। सो भाई ये रही अपनी मुगल रोड जो कि मेरे घर के पास से निकलती है, बाकी इस साइड तुम व्यू चेक करोगे ना भाई इतना सेक्सी व्यू है। एंड अभी देखो भाई स्प्लेंडर कौन राइड कर रहा है आगे, रुको तो मैं शो कराता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोड है और यहाँ ना हमें थोड़ा बेबी डॉल का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो आगे सल्लू भाई चल रहा है भाई स्प्लेंडर पे, कहता है भाई मेरे को स्प्लेंडर राइड करनी है, मैंने कहा भाई कर ले। और यहाँ का रास्ता जो है ना भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तुम एक बार ना भाई ये व्यू चेक करो, मतलब ऐसा व्यू ना तुम लोग सोचोगे कि भाई हम कश्मीर में आ गए हैं, और जो मेरा विलेज है भाई सुरनकोट उसको मिनी कश्मीरी बोलते हैं भाई। सो ये चीज़ चेक करो भाई, इतनी प्यारी है ना भाई। हम जाएंगे बफलाज, एंड बफलाज से हम सीधा DKG से होके भाई सीधा अपने शादरा शरीफ जाएंगे। सो निकलते हैं भाई, ऊपर जाके खाएंगे भाई पहाड़ों वाली मैगी। सो अगर हम जल्दी पहुंच गए, अगर बारिश ना हुई भाई तो। बाकी ये देखो ये चेक करो सालो भाई ऑन द स्प्लेंडर भाई, ये सुबह इसको चलाने का अलग ही मजा है। मुझे ऐसी लोकेशन पे एंड यहाँ से ना भाई सोना, सॉरी पत्थर निकल रहा है, सोना बोल रहा था, समझ लो भाई पूरा रोड ही बाबा सीर है, मतलब कैसा चलेंगे इतने भाई, इतने खड्डे और इतने ऑफ रोड भाई, बुरी हालत हो गई है। एंड अभी ना लिटरली पीछे में और जो आदिल स्लिप हो चुके थे, और सलमान का कांडी है ना भाई पीछे, इसके मड गार्ड नहीं है तो अभी वो शिफ्ट हो गया बाइक, उसको पता है भाई बुरी हालत हो जाएगी पीछे ना भाई। कुछ ऐसा एरिया अपना देखो भाई क्या ब्यूटीफुल है, वो देख रहे हो तुम सामने वो वाली पहाड़ी उसके, हाँ इधर से भाई एक पैदल रास्ता भी जाता है जहाँ से ये मेरे कजन्स वगैरह गए हैं। तुम्हें मतलब अप्रोक्स भाई मोटा मोटा मान के चलो भाई 5-6 घंटे लग जाते हैं मतलब वहाँ तक पहुँचने में, हाँ 8 घंटे लग जाते हैं भाई। और ये देखो भाई ऐसी रोड होगी ना फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, बट ये ना इस पे ये थोड़ा सा स्लिपी रहता है क्योंकि आगे देखो भाई आगे रोड ही नहीं है, बाबा सीर है, कहाँ ही चलेंगे। तो ये सिलसिला अपना जारी रहेगा भाई। एंड ये देखो भाई मेरे को मार रहा है, आ खुद कहाँ रहा है मेरे को मार रहा है भाई लाइटें, और धुआं धुआं कर गया पूरा, फेस वॉश हो चुका है मेरा इस टाइम पे। ओ भाई यहाँ बंदा कहीं खींचेगा भाई कसम से, मतलब बुरी हालत है इस रोड की। गाड़ी पे आओगे तो भाई 4 घंटे तुम्हारे कहीं नहीं गए, क्योंकि भाई ओ स्पीड ब्रेकर था और सल्लू भाई फास्ट गया बड़ा, अपन लोग भी खींचते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बीच में ना ऐसे अचानक से बम्प आ जाएंगे भाई, ऊपर से रोड भी टूटी हुई है तो गिरने का भाई चांस होता है। ये देखो भाई इसकी एक साइड खींच रही है पूरी बाइक भाई, इसका ना कल ये इसका भाई ये रोड में आते हुए कहीं क्रैश होने वाला था, तो इसकी वजह से ना सर कॉन्सर्ट थोड़ा सा हिल गया, तो बाइक एक साइड खींचती है भाई। ये देखो भाई ये ऐसा एक ऑब्स्टेकल आया भाई, पूरा पानी पानी भाई, और लिटरली भाई पाँव तक पानी आ गया, ये मतलब लता हाँ मेरे इधर रख दे साले, गोदी में बैठ गया मेरी, ऐसा लग रहा है भाई हम जोजीरा क्रॉस कर रहे हैं भाई, इतने ना बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं और ये छोटे मोटे लोग बीच में दिख जाते हैं। एयरपोर्ट देखो, ओ माय जिंदा, 20,000 मुँह में लिया भाई, पूरा मुँह में ले लिया, 20,000 ले लिया। तो ये देखो ये रोड है, अगर इस पर हल्का सा भी टायर कहीं तो बच गया तो भाई टायर की फट जाएगी, चार हो जाएगी, और डाला भी इसने पूरा डुकाटी वाला टायर है इस बार 200, तो इसलिए थोड़ा सा मैं थक गया भाई। मेरे हाथों के हाल देखो कि तुम रुको, मैं अपने हाथ दिखाता हूँ, सब कहते हैं RC का डिसएडवांटेज, ये देखो भाई नील पड़ गया कसम से हाथों पे यार। और ये देखो भाई छोटा सा वाटरफॉल, एंड बड़ा ही प्यारा नेचर की तो यहाँ मुकाबला ही नहीं भाई, देखो छोटा छोटा वाटरफॉल है। सल्लू भाई पीछे गाने लगाने के रुक गया हुआ है। सो ये ऐसी कुछ लोकेशन है यहाँ पे, तो तब से ना भाई हम इसी जगह पे घूमे जा रहे हैं भाई, और इस पर कंस्ट्रक्शन जब से हुई ना भाई रोड की महावन एक हो गई है भाई। सो देखो भाई पहले रोड वो थी उस पर, तो वो तो मतलब इससे भी बड़ा घर का उसका, ये तो चलो फिर ठीक है थोड़ी बहुत ही है, बाकी नहीं तो जनाजा पूरी रोड का भाई। और आगे तो तुम्हें मैं बताऊंगा, आगे तुम बोलो कि भाई अरसलान भाई कहाँ ही आ रहे हो आप। सो काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई आप व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हो, एंड मैं तुम्हें पता मैंने तुम्हें हर बार बोला है, ये मेरी आईडी आ रही है भाई जाके यहाँ पे फॉलो कर लो, मैं ज़्यादा अपडेटेड वहीं रहता हूँ। एंड मैंने कभी भी जो भी अपडेट दिया ना भाई इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा मेरा भी सीन चल रहा है, मे बी इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों की बात है सरप्राइज़ आने वाला है, उसके बाद रेगुलर हो जाएंगे हम, मैं कुछ चीज़ का वेट कर रहा हूँ भाई, बस वो हो जाए तो कोई सीन नहीं। तो बाकी इंस्टा पे अपडेट किया था मैंने, तुम लोगों ने बहुत प्यार दिखाया भाई, कम से कम लगा लो 7-8 बंदों ने भाई वोट किया कि आप
Z900 ले लो, बट ये है कि कुछ मेरे खास हैं वो कह रहे नहीं भाई Z900 सबके पास है, तो देखते हैं भाई उससे कुछ बड़ा प्लान भी हो सकता है। बट लिटरली मुझे इतना नहीं पता कि तुम लोग इतना प्यार दिखाओगे भाई, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही पोल किया वैसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, बट इतना ज़्यादा भाई, इतना ज़्यादा मैं सल्लू को भी दिखा रहा था भाई, इतना ज़्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं, कसम से बहुत दिल खुश हुआ। बस ऐसी सपोर्ट तो वीडियो में भी दिखाओ ना, तो ये वीडियो भाई आज या कल शाम को आई जाएगी, क्योंकि मैंने अभी एडिट करनी है, अभी हम दरगाह पे तो जाएंगे ज़ियारत करेंगे उसके बाद ही आएगी। सो ये मैंने ब्लॉग बनाया भाई कुछ तुम्हें अपडेट देने के लिए, बाकी कुछ बातें हैं वो मैं आगे चल के करूँगा भाई बड़ी बातें करने की, अभी ब्लॉग में करने का मज़ा आता है। अभी पहुँच चुके हैं हम कुछ ऐसी लोकेशन पे भाई, पूरा ना ऑफ रोड ही ऑफ रोड है भाई, और यहाँ का कुछ समझ नहीं चल रहा। ओ भाई आगे क्या है भाई, ये समुंदर है क्या? ओ भाई इधर से, इधर से, इधर, ओ भाई पूरा समुंदर बनाया हुआ है भाई, तो देखना जरा आज कहाँ से निकलेगी भाई, रोड है क्या है ये सीरियसली, जहाँ से तू जा रहा है वहाँ से निकलेगी। ओ भाई अब पता नहीं बीच में गहरा कितना है, ओ वो मैन, ओ ओ ओ भाई पत्थर ही पत्थर है भाई, गाइस पत्थर ही पत्थर, पत्थर के बीच में पानी, पानी के बीच में अरसलान से यहाँ डूबता हुआ पूरा। ओ भाई देख रहे तुम, सल्लू आगे खड़ा भाई, सल्लू ने बोला बीच से आ जाओ तो बीच से ही आऊँगा, लेकिन भाई इतना गंदा रास्ता, समुंदर निकल गया कुछ ये यार, रुकते हैं भाई आदिल आ रहा है। भाई साहब रोड की बुरी हालत, और तुमने अभी देखा भाई पानी कितना है, बट ऐसी जगह पर पता क्या होता है, पता नहीं चलता भाई पत्थर किधर है, देखो बाइक तो निकल जाएगी बट गाड़ियों को दिक्कत होती है, उनके नीचे बाइक को अगर ऐसे खड़ा पत्थर होगा भाई चैम्बर जूमर पर लगेगा तो तुम्हारा इंजन लीक, एजेंसीज तुम बढ़ के खप्पे। ओहो पानी मेरी भाई ला तक आ गया है, पूरा पानी गंदा, पानी गंदा भाई। अबू कह भी रहे थे भाई ब्लैक बेल्ट लगा जा, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं मैं ब्लू लगाऊंगा, ब्लू का ब्लू हो गया इधर ही, पानी पानी हो गए, पानी पानी पानी, आंटी जी पानी इतना पानी, इतना पानी, ओहो पानी पानी हो गया, मैं पानी पानी हो गई। ओहो हो पेट्रोल पंप खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं है है, सो अभी ये कराएंगे रिफिल भाई, इतनी हालत बुरी है ना तुम्हें, मैं बाइक की लुक चेक कराता हूँ भाई, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सर उतर आदिल, ये देखो भाई ये हालत देखो इसकी, इसकी हालत देखो, मेरी हालत देखो भाई, बुरी हालत है भाई, पूरे स्किन स्किन हुए था बट अभी ना पूरा मड से भर चुके हैं भाई, ये देखो क्या हालत है भाई सल्लू खान की, सल्लू खान गंदा हो चुका पूरा। और ये देखो अभी आपके पीछे कोई हादसा हुआ था एयरपोर्ट वाला, एयरपोर्ट नहीं हुआ अभी एक हादसा हो गया था, 120 भाई ये हेलमेट गिरा था भाई, हेलमेट ही गिर गया देखो, ये होता रेत देख, रेत मैं रेत देख तो आगे पता ऐसे किया बाइक ऊपर आई नीचे गए थे भाई, 25,000 के एयरपोर्ट तो गए थे साथ में जान भी गई थी, सो अब निकलते हैं यहाँ से, ये बंद हो गया छोटा छोटा बंद हो गया गाइस। सो चेक आउट गाइस, हम पहुँच चुके हैं भाई DKG, सो ये रहा भाई अपने DKG का पहला रूट, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ, और भाई इस रूट पे इतने कर्व है ना भाई, और इतने ब्लाइंड कर्व्स हैं, तो कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है भाई, अगर तुम कभी DKG साइड से हो ना भाई तो बिल्कुल ही आराम से चलो, बिकॉज भाई यहाँ से एक तो चढ़ाई बहुत है भाई, ऊपर से कर्व्स इतने गंदे हैं ना भाई, ब्लाइंड कर्व्स हैं एकदम से, तो देख रहे हो तुम, मतलब ऐसा माहौल है ना भाई, तुम बोलोगे यार क्या लोकेशन है, मतलब यहाँ भी पहाड़ इधर भी पहाड़ बीच में रोड भाई, और इतना सेक्सी व्यू, क्योंकि अगर यहाँ से तुम आओगे पैदल, तुम्हें मैंने बताया जैसे 7-8 घंटे लगते हैं भाई, तो वो तो बड़ा टफ रूट है, ऊपर भाई आर्मी की पोस्ट भी है, वहाँ से होकर जाना पड़ता है एंट्री उंट्री करा के। सल्लू की बाइक में पता नहीं क्या सीन है भाई, बंद हो जाती है बार बार इसका, आई थिंक नीचे स्टैंड लग रहा है भाई, जैसे स्टैंड नीचे होता है भाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अभी तुम्हें मैं आगे एक लोकेशन चेक कराऊंगा, तुम देखोगे ना तुम बोलोगे भाई क्या लोकेशन है ये, सीरियसली मतलब इतना मज़ा आ रहा है, और ओ अशोक ले लैंड चढ़ गया था ऊपर ही, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है तुमने, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती रहती हैं भाई, एंड यहाँ पे थोड़े से ब्लाइंड कर्व्स भी आते हैं, सो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना आपने। भाई साहब इतना गंदा रूट, ऊपर से ये बेबी डॉल, ओहो मतलब तुम पीछे तुम मेरी और इसकी भाई हालत चेक करते ना, वासु की भाई बुरी हालत तो रखी थी, आगे भाई देखते हैं लोकेशन तगड़ी है, मैं दिखाता हूँ मैं पीछे भाई, इतनी गंदी हालत हुई हम दोनों की, लिटरली मेरे पाँव पूरे भर गए हैं भाई, पानी था प्लस खड्डे भाई साहब, और ये ऐसा जंगल है भाई, क्या बताऊँ तुम्हें जंगल के बारे में कसम से, ये ना बीच में बाबा मिस, ये देखो देखो मिसिंग कर रही है,
2000 years later. हाँ देख रहे तुम, चेक करो सल्लू आता हुआ है भाई स्प्लेंडर पे, चेक करो गाइस, इसका थोड़ा फ्यूल पंप का सीन है, करो ऑफ रोड चेक करो भाई, वो देखो वो ऐसे लेके जा रहा है स्प्लेंडर में जैसे आया मुझे ओ भाई वो देखो उसको देखते रहो, मुझे छोड़ो भाई इसको देखते रहो कैसे धीरे से क्या कर रहे हैं लड़के से, ओ भाई साहब पेड़ों पेड़ हो रखे हैं यहाँ पे, चेक आउट गाइस, किड किया हुआ सल्लू खान ने स्प्लेंडर को और घेर अटक गया बेबी डॉल के साथ रेस लगने वाली है इस जगह पे भाई, स्लिप होने का खतरा ज्यादा है, यहाँ रेस ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज हल्का सा भी स्लिप हो गया ना भाई तो इसने लगाई भी हुई है एक्स2 किट, तो भाई वो किट यहाँ ही रहेगी ओ भाई कर्व देख रहे हो, यही बोल रहा था मैं, ब्लाइंड कर्व जाते हैं यहाँ पे, भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे और भाई इतना स्लिप है पीछे भाई तुम्हें क्या बताऊं, अभी हम गिर गए थे भाई, ओह बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक पकड़ी भाई, और ये बीच में ना बंद ही हो रही है भाई, आगे से टेम्पो आ गया था, ये देखो भाई ये भाई मिट्टी इतनी स्लिप करती है ना सीरियसली, अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है सर टायर बड़ा डाला हुआ भाई, बड़े सेगमेंट का टायर है पर इशू नहीं, वरना देखो स्प्लेंडर की हालत देखो भाई कैसे घूम रहा टायर, और ये देखो भाई बहुत गर्म हो चुकी है भाई, पहले दूसरे में घेर में आ रही है तब से, हालत ख़राब हो गई है भाई, रोड ही नहीं मिल रहा चलने को, ये देखो भाई मिट्टी पे मिट्टी, और ये स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक भी एक साइड की छोड़ रखी है, और ये क्यों खुश हैं इतने ये ज़्यादा खुश है कुछ हमसे, ट्रक आ गया भाई, हॉर्न दे इसको यार, हॉर्न दे इसको, क्या कर रहा है ये तब से यार, पापा हॉर्न दे यार भाई, पहले भी मेरे को गिरा गया था पीछे यार सीरियसली, ये देखो भाई बंद होगी, बहुत गर्म होगी बाइक, अब थोड़ा सा क्या ही खींचूंगा इसको, चढ़ाई इतनी है भाई, ये देखो मिसिंग कर रही है ना बिकॉज गर्म हो चुकी है, बहुत कैसे चल रहे हैं भाई मोड में, इसको भाई ठंडा करना पड़ेगा नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे, भाई साइन ले रही, तो फैलने के तो भी पहुंच चुके हैं पोस्ट पे भाई, यहाँ पे करवा रहे एंट्री, और देखो भाई सर के यहाँ पे भाई बैठे बैठे 500 सब्सक्राइबर हो गए, तो प्यार दिखाओ सर को, क्या होता सर अगली बार हमारे 1,00,000 हो सर के, सिल्वर प्ले बटन लेके सिल्वर प्ले बटन लेके सर आईडी दे, तो यार बहुत ही प्यारे कॉप्स है यहाँ के, सो अभी भाई की हालत है भाई, और ये लोकेशन है भाई डिक्की के टॉप पे, तो सर बैठे हैं, सर नाम क्या आपका सर, नाम क्या आपका, नाम क्या सर, योगेंद्र सर का नाम है सर, यहीं बैठ रहे थे भाई चेक पोस्ट पे गएंगे, सर का चैनल क्या है, ये है भाई आर्मी लवर सर्वाइवल आर्मी 235L भाई, ये चैनल में जाके सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से सर के 1000 कंप्लीट करो, फिर 10K करो, फिर 1,00,000 करा दो, बस प्यार से प्यार दिखाओ, तो अभी एंट्री करते हैं भाई, निकलते डीके जेकरी, ओ बड़ा लगा सर पीछे कीचड़ कीचड़, इधर रोड बाबा सीर बना हुआ है करेंगे क्या बहुत गंदा रोड है ढाई लाख है अरे कोई नहीं हो जाएंगे सर के भी हो जाएंगे, नहीं यार आप हमारे लिए खड़े हो यहाँ पे तो आपके क्यों नहीं होंगे यार, ठीक है सर थैंक यू, जय हिंद, ओके सर थैंक यू, भाई पानी पानी है, पानी बहुत है भाई, वो देखो बच चुका बीच में नहीं गया था ओ भाई ओ भाई एग्जॉस्ट में पानी चला गया भाई लिटरली भाई एग्जॉस्ट में पानी चला गया, ये देखो हाँ बुरी हालत हो गई है, ऐसे मेरा कजन बोल रहा था भाई डैम है नीचे, हो भाई फाइनली हम पहुंचने वाले हैं भाई थाना मंडी, हो बुरी हालत भाई बुरी हालत, आगे से बोलूँगा भाई सल्लू तू चला इसको, नहीं चलाने वाली मुझसे भाई मेरे बस में नहीं है, आगे से मैं करूँगा भाई अपना फेस टाइम और इसको दे दूंगा भाई तू चला बाइक, गाइस वी जस्ट एंटर द थाना मंडी, सो ये थाना मंडी का मेन बाजार है भाई, तो अभी इनको भाई लेना पड़ेगा अपने लिए एक ट्राउज़र, क्योंकि मेरी पैंट की भाई बुरी हालत हो चुकी है, तो पहले कहाँ से ट्राउज़र लेते हैं आराम से फ्रेश होकर फिर ज़्यादा पे जाएंगे,
बहुत थक गया हूँ भाई, और कपड़े भाई बुरी हालत हो चुकी है, तो मैं क्या बताऊँ भाई, पूरा मैस्यू रखा है। ओ जोमेटो वाले भैया, जोमेटो वाले भैया देखो बहन जो, भैया कितना कमा लेते हो? क्या करें, दुखी नहीं खत्म होते जिंदगी के। ओहो, लुक एट द रिएक्शन गाइस, रिएक्शन चेक करो भाई। मुझे वैसे कहीं शॉप देखनी पड़ेगी जहाँ से ट्राउजर मिल जाए, तो मैं देखता हूँ जीजू को ही बोलता हूँ, उनकी शॉप से ले लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई अपने रूम में। जैसे तो पता होगा भाई, हमने पहले ही फोन करवा के भाई अपना जो टॉप बंगलो भाई बुक कर लिया था। सो अभी जस्ट पहुंचे भाई, अभी नहा धो के फ्रेश होके वजू करके बस इसमें अभी निकलो बाहर। एंड बाकी ये देखो भाई, ये मेरा भाई आ रखा है यहाँ पे अपना आदित। सो आदित यूट्यूब फैमिली को हाय बोल दूँ। हाय यूट्यूब, सारे ऐसे ही बोलते हैं आजकल। और कैसा लगा आपको आज सफर करके? बहुत बुरा भाई, बिकॉज ये ना स्प्लेंडर पे था भाई, सो इनकी हालत ज़्यादा खराब है। बाकी एक मेरा भाई ये यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, ये रहा वासु। हाय गाइस, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। सो ये भाई पूरा फ्रेश हो रखा है। सो अभी निकलते हैं भाई ज़ियारत के लिए, अभी सलू गया वजू करने। तो तुम्हें मैं ना एक बार बाहर से भाई लोकेशन चेक करा देता हूँ, क्या लोकेशन आ रही है यहाँ पे। सो ये देखो भाई लोकेशन, देखो कितनी फाड़ू लोकेशन है भाई, मतलब ऊपर ना फॉग आ रखी है। अभी ये सामने व्यू पॉइंट है ना, यहाँ पे हम सुबह देखते हैं कुछ शूट करेंगे यहाँ पे। बाकी क्या बोला आदिल? आजकल मैं नहीं चलता भाई, मैं काफी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी था भाई, थायराइड वगैरह बढ़ चुका है अपना, उससे भाई अपने हमने गेन कर लिया अच्छा खासा, तो इसलिए मैं चल नहीं पाऊंगा अभी इतना। तो बाकी निकलता है यहाँ से, बाकी तुम्हें वहाँ पे जाके लोकेशन दिखाता हूँ ज्यादा करके, फिर हम घर निकलते हैं। 2000 years later. So all right guys, रात को ना भाई शूट नहीं कर पाए थे, एंड अभी हम निकल रहे हैं वापस के लिए। अभी हमने खाना वाना खा लिया है guys, तो बड़ा बुरा हाल है। रात को तो ऊपर परमिशन थी नहीं शूट की, सो अभी हमने लंगर से खाना खा लिया भाई, तो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और फोन ऐसे ही सपोर्ट करते रहना जो हमारे लिए। तो मिलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।